अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हों। अल्लाह ताला हम सब के रिस्क में बरकत फरमाए, हमारी तमाम मुश्किलात को दूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मैं काफ़ी दिनों से जो है वो बिल्कुल भी रेगुलर नहीं थी, व्लॉग्स जो हैं वो अपलोड नहीं कर रही थी, और उसकी रीज़न जो है वो मैं भी आपको दिखाती हूँ। तलहा जो है वो कुछ दिन पहले बाहर बहुत बुरे तरीके से जो गिरे हैं घर के बाहर अपनी गाड़ी चलाते हुए, और इसको बहुत ज़्यादा चोट आई है अपने इसके लिप्स के ऊपर, और नीचे से भी थोड़ी सी जो जगह है वो फट गई है, और वहाँ से काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हुई। और मैंने लाइव भी आना था बल्कि इस दिन, और इसी दिन ये हादसा हो गया, तो मैं ना तो लाइव आ सकी, और उसके लिए भी बहुत ज़्यादा माजरत, और ना ही जो है मैं फिर व्लॉग्स जो है वो अपलोड कर सकी। फिर मेरा दिल ही नहीं किया व्लॉग्स अपलोड करने का, व्लॉग्स बनाने का, बस फिर मैं सिर्फ बच्चों को टाइम दे रही थी। तो यहाँ पर डिफरेंट डेज़ के व्लॉग्स जो हैं वो आपको मैं दिखाऊंगी, यहाँ पर आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पर सुबह का टाइम है, और जो दूध है वो आ गया है, और उसको मैंने बॉयल कर रखा है, और बच्चे जो हैं वो लेटे हुए हैं, और अभी अभी हम लोग थोड़ी देर पहले ही उठे हैं। आजकल जो है वो बहुत ही ज़्यादा रूटीन जो है वो टफ़ हो गई है, बहुत ही ज़्यादा बल्कि ख़राब हो गई है। ना खाना खाने की रूटीन ठीक है, और ना ही कोई मतलब सोने की रूटीन ठीक है, और मेरे ख्याल में हर जगह पर हर किसी के घर में यही हाल होगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे लास्ट में बताइएगा कि आप लोगों के घर में रूटीन में कुछ फ़र्क आया है खाने पीने की, सोने उठने की, या वैसी पहले जैसी है। और यहाँ पर कुछ सामान मैंने मंगवाया था, ये रमज़ान का सामान तो नहीं है, लेकिन मैं ऐसा कुछ रमज़ान में एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बनाकर नहीं रखती होती, क्योंकि रमज़ान सबसे अच्छा टाइम होता है अपना वेट लूज़ करने के लिए, अपने आप को मेंटेन करने के लिए, अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए। तो इसलिए मैं इतना ज़्यादा जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कुछ भी नहीं बनाती। जो फ्राइड जितना भी फूड है, फ्राइड जितनी भी चीज़ें हैं, उनसे मैं बहुत दूर रहती हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड बिल्कुल हम वो चीज़ें पसंद नहीं करते, रमज़ान में नहीं खाते। तो इंशाल्लाह रमज़ान में क्या हेल्दी चीज़ें मैं खाऊँगी, कौन कौन सी हेल्दी चीज़ें मैं बनाऊँगी, तो वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पर एक बात भी कहना चाहूँगी कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग जो हैं वो इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के मेरे पास इंस्टा पर DM भी आए थे, और आसमा को भी आप लोगों ने पूछा कि मेरे व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे। तो रीज़न मैंने आपको स्टार्ट में बता दी है जी कि मेरे व्लॉग्स इसलिए नहीं आ रहे थे। तो बस बच्चों को इस तरह से, असल में पहली दफ़ा तलहा को इस तरह से चोट लगी है, तो मैं बिल्कुल ही परेशान हो गई, और फिर बिल्कुल भी मेरा दिल नहीं किया कोई भी काम करने के लिए। तो बस फिर, और वैसे भी घर पे अब रह रहे कि वैसे ही, मैं तो कहती हूँ कि शायद बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन जो है वो होने शुरू हो गई है। और सामान जो है वो आपने देखा है, नॉर्मल जो हम रोज़ का खाने पीने का सामान होता है वही सामान लिया है, और इसके अलावा ब्राउन ब्रेड मेरी ख़त्म हुई रखी थी वो मंगवाई है, और इसके अलावा जो क्रीम के पैक्स हैं वो मंगवाया है, और इसके अलावा एक मैंने जो है बटर मंगवाया है, और घर पे भी बटर बल्कि मैंने इस बार बनाया है, लेकिन मुझे थोड़ा सा मुझे शौक हो रहा था कि मैं बाहर वाला बटर है उसको भी ट्राई करूँ। तो यहाँ पर भिंडियों को मैंने वॉश करके अब ड्राई कर लिया है, और यहाँ पर मुझे इनको कट करना है, और तलहा ने जो है वो एक भिंडी उठा ली है, जैसे पता नहीं इसने खानी है, और टेस्ट हो चुका है जी, और टेस्ट ने कहा है कि मैं खाने के काबिल नहीं हूँ, तो तलहा ने इसको वापस रख दिया है, और इनको कट करना है। बहुत सारे काम और भी हैं घर पे करने वाले, और मैं तो कहती हूँ कि रूटीन जो है वो बहुत ज़्यादा टफ़ हो गई, बल्कि जब हम लोग घर से बाहर होते थे जॉब वगैरह पे जा रहे थे तो रूटीन इतनी टफ़ नहीं थी, लेकिन अब जो रूटीन है वो काफ़ी टफ़ हो गई है। अब देर से सोना उठना और खाने पीने की रूटीन भी बहुत अजीब सी हो गई है। खैर, अल्लाह खैर करे, ये सारी चीज़ें जो है इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। आप सब लोग दुआ कीजिएगा ये सब ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर भिंडियाँ जो हैं वो मैंने कट कर ली हैं, और आज मैं चिकन और भिंडी का सालन बना रही हूँ। मेरे हस्बैंड जो हैं वो ज़्यादातर भिंडियों में चिकन गोश्त ये ज़्यादा पसंद करते हैं, सिंपल भिंडी वो इतना शौक़ से नहीं खाते, तो मैं वही चीज़ बनाती हूँ जो वो शौक़ से खा लेते हैं। इस तरह से नहीं करती कि नहीं बस अपनी बचत के लिए तो मुझे ये नहीं बनता तो वो नहीं बनता, इस तरह से नहीं करती। और जी ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह,
ये मैं अम्मी के घर से मक्खन बना कर लाई हूँ, मतलब बलाई जो है वो मैंने जमा कर रखी थी अपनी, और ये मक्खन जो है सारा टोटल वन टू ऑल, इसका जितना भी काम था, इसको जाग लगाने का काम, इसको बुलोने का काम, जितना भी काम था ना, वो सारा मैं खुद करके आई हूँ और ये मैं ले आई हूँ। तो जी यहाँ से जो है नेक्स्ट मॉर्निंग स्टार्ट हो गई, और मैंने यहाँ पर जो आलू हैं उनको बॉयल होने के लिए रखा हुआ है। इस बार मैंने ये किया कि मैंने इनके जो छिलके हैं वो उतार के और इनको बॉयल करने के लिए रखा, और यहाँ पर जो है मैंने आटा भी बिल्कुल फ्रेश गूंद के रखा है। और ये जी खोपरा है, इससे भी आज एक रेसिपी बनने वाली है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। यूजुअली मैं आटा जो है वो फ्रेश नहीं गूंदती, मैं रात को गूंद लेती हूँ या जैसे ही ख़त्म हो तो वैसे गूंद लेती हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे सुबह बनाने हैं आलू वाले पराठे, तो इसलिए फिर मैंने सुबह ही जो आटा है उसको गूंदा है। और आप अपनी मर्ज़ी से इसमें कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, मैंने सिंपल घर के मसाले ऐड किए हैं, कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऐड नहीं किया जो मैं आप लोगों से शेयर करती, बल्कि आप लोग यकीनन मुझसे ज़्यादा चीज़ की स्टफिंग बना लेते होंगे, और बल्कि आप लोग शेयर कीजिएगा कि स्टफिंग में क्या क्या चीज़ें और होनी चाहिए तो पराठे जो हैं वो ज़्यादा अच्छे बने। तो फ्रेश आटा इसके लिए क्यों होना चाहिए, उसकी रीज़न अभी आपको यहाँ पता चल जाएगी। अगर आप लोग इस तरह पेड़ा बनाकर और उसके अंदर फिलिंग करके आप आलू वाली रोटी बनाना चाहते हैं तो आपको जो है आटा फ्रेश आपके पास होना चाहिए, ताकि क्योंकि फ्रेश आटे में लचक होती है, वो अपनी आप अपनी मर्ज़ी से उसको मोड़ सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मैं किस तरह से इसको घुमाते हुए और मैं इसका जो पेड़ा है उसको फोल्ड कर रही हूँ, और बस जैसे ये फोल्ड हो जाएगा और उसके बाद मैं इसको हल्के हल्के हाथों से मैं इसको फैला लूँगी, और बस उसके बाद फिर ये पराठा जो तैयार हो जाएगा। मुझे पर्सनली ये वाला पराठा जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें जो स्टफिंग है वो बिल्कुल किनारों तक पहुँच जाती है, और ये मुझे बनाना भी ज़्यादा आसान लगता है। अम्मी जो है वो दूसरे वाला पराठा बनाती हैं, जिसमें पहले एक रोटी को बेला जाता है थोड़ा सा, फिर उस पर स्टफिंग लगाई जाती है, फिर दूसरी रोटी को बेल के उसके ऊपर रखा जाता है, मतलब जो दो पेड़ों के दरमियान में बनती है ना, अम्मी को वो वाला, अम्मी वो वाला बनाती हैं, वो भी बड़े मज़े के लगते हैं, लेकिन पर्सनली मुझे जो ये वाले पराठे हैं ये बनाना आसान लगते हैं, मैं यही वाले बनाती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं पराठे बना रही हूँ, और आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों ने घर में और क्या क्या रेसिपीज़ जो हैं वो ट्राई की, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों ने सीखी हैं, क्योंकि और कुछ हुआ ना हुआ हो, बहुत सारे लोगों की कुकिंग जो है वो बहुत अच्छी हो गई है, तो मेरी कुकिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हो गई है। पहले से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं ड्यूरिंग जॉब मेरे ख्याल में मैं नहीं सीख सकती थी, मुझे वो सीखने को मिली हैं। अगर मैं इसी तरह से जैसे सब लोग जॉब पे जा रहे थे, मैं भी जा रही थी, तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं अपना जो कुकिंग रेंज है उसको यूज़ करना फुल सीख सकती। तो घर पर अब बेकिंग कर करके अब मुझे इसकी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो पता चल गई हैं। और यहाँ पर जी मैंने इसको प्री हीट होने के लिए रख दिया है, ये देखें मैं इसको प्री हीट कर रही हूँ, 250 डिग्री सेल्सियस पर इसको प्री हीट कर रही हूँ। और यहाँ पर आपको ये स्प्रिंग फोम दिखाऊं, और ये मेरे पास तीन रखे हुए हैं, ये मैंने मंगवाए थे दराज से, काफ़ी अर्सा पहले मंगवाए थे, तो ये मैंने यूज़ नहीं किए, तो आज मैंने सोचा क्यों ना आज मैं जो चीज़ बना रही हूँ उसको इसी में बना लूँ, और क्या चीज़ बना रही हूँ वो भी आपसे शेयर करती हूँ। तो तीन का सेट है वो वाला, और एक है मेरे पास ये पहले वाला जिसमें मैंने लास्ट टाइम जो भाई की बर्थडे पर केक बेक किया था वो इसमें किया था, तो आज मैंने सोचा आज मैं इसे यूज़ करती हूँ। तो जी यहाँ पर मैंने लिए हैं तीन एग्स लिए हैं, ये रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए आपको पता है, और इसमें मैंने हाफ कप के जितना इसमें ऑयल ऐड किया और उसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया है, और ये दही का एक कप है, और मैंने इसको मैयर करके इसी में वापस रख दिया। और इसके अंदर जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और मैं यहाँ पर बुसबुसा जो है वो बना रही हूँ, बसबुसा भी कहते हैं, बुसबुसा भी कहते हैं, तो जो भी आप इसको प्रोनाउंस करें उम्मीद है सबको समझ आ गया होगा। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी मैंने कितनी इसके इन्ग्रीडियंट्स की मैंने क्वान्टिटी ली थी तो वो मैं उसमें लिख दूँगी। और अच्छा, इसकी सबसे मज़े की बात यह है कि आपको इसमें कुछ स्टेप एक्स्ट्रा नहीं करने पड़ते, आपको वेट एंड ड्राई इन्ग्रीडियंट्स को बस इकट्ठा कर देना है, मिक्स कर देना है, और आपको इसको बेक कर लेना है। और यकीन करें जिन लोगों ने इसको ट्राई नहीं किया आप लोग उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको केक से भी ज़्यादा जो है यमी लगेगा और केक से भी जल्दी बन जाता है। मैं समझती हूँ बल्कि केक को बनाना थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन इसको बनाना बिल्कुल भी ट्रिकी नहीं है, ये बहुत मज़े का है और बिल्कुल एक चेंज सी चीज़ है, केक से डिफरेंट है, लेकिन आप लोग इसको इन्जॉय करेंगे। और जिन लोगों ने इसको बनाया हुआ है वो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, इंस्टा पर भी मुझे बताइए
लगेगा। और यहाँ पर मैंने इसको पहले मैंने सोचा कि दूसरे वाले पैन में इसको बेक करूँगी, लेकिन फिर मैंने जब अपना बैटर देखा तो बैटर कम था, तो मैंने इस वाले पैन में ऐड कर दिया। लेकिन इसमें भी मेरे साथ एक मिसहैप ये हुआ कि वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। मैंने जब इसको इस तरह से लेवल करके जब इसको टैप किया तो ये साइड से खुल गया, तो फिर मैंने कहा कि इससे बेहतर कि ये कुछ का कुछ ही हो जाए, तो मैंने फिर इसको पैन दूसरे में शिफ्ट किया, जो कि मैं आपको अभी दिखाती हूँ अब मैंने किस पैन में इसको शिफ्ट किया है जी। तो जी यहाँ पे मेरे साथ मिसहैप हो गया और मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। तो फिर ये हुआ कि मैंने उस पैन में से सारा जो बैटर है वो इधर ट्रांसफ़र किया और इसकी इस तरह से लुक बना दी। आप किसी भी बर्तन में कर सकते हैं जिसमें हम बर्फ़ जमाते हैं, आप उसमें भी इसको कर सकते हैं। तो मतलब कोई भी ऐसा बर्तन होना चाहिए जो माइक्रोवेव, खैर माइक्रोवेव तो नहीं, कुकिंग रेंज के अंदर जो आसानी से रखा जा सकता हो, तो आप उसमें बेकिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया है जी, मैंने एक कप लिया है पानी और एक कप उसके अंदर चीनी ऐड की है, और अब मैं इसको अच्छी तरह से स्टिर करके उसको डिज़ोल्व कर लूँगी। गर्म करके इसको डिज़ोल्व करना है। और यहाँ पर जो मेरा बसपुसा है वो रेडी हो गया है, तो मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। अच्छा, मैंने क्या किया था कि मैंने इसका 35 मिनट्स के बाद मैंने इसका लोअर बर्नर को बंद कर दिया था और फौरन ही मैंने इसका अपर बर्नर जो ऑन कर दिया था और हल्का हल्का मैंने इसको ब्राउन कर लिया था। तो मुझे ज़्यादा ब्राउन नहीं पसंद, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको ब्राउन किया है। तकरीबन 5 मिनट के लिए मैंने ऊपर वाला बर्नर जो है उसको ऑन किया होगा, तो आप लोग चाहें तो आप 10 मिनट के लिए ऑन कर लें तो ज़बरदस्त हो जाएगा। अच्छा, इसके शीरे को आपने गाढ़ा नहीं करना, इसके शीरे में इक्वल क्वांटिटी का पानी और चीनी डाल के और चीनी को डिज़ोल्व कर लेना है। थोड़ा सा लेमन ऐड कर दें ताकि ये क्रिस्टलाइज नहीं हो, चीनी वापस ना जमे। और अगर कोई एसेंस है आपके पास जो आप यूज़ करना चाह रहे हैं, रोज़ वाटर है या केवड़ा एसेंस है, तो वो ऐड कर दें। और बस केक को आपने, इस बुसबुसा को आपने थोड़े से कट लगा देने हैं, जो भी आप शेप में काटना चाहते हैं। और उसके बाद जितना भी ये सारा शीरा है, ये सारा शीरा इसके अंदर चला जाएगा। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें शीरा जो है वो डाल रही हूँ। शीरा ठंडा है इस वक्त, जिस वक्त मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ना, तो शीरा ठंडा है। शीरे का गर्म होना ज़रूरी नहीं है, केक का गर्म होना ज़रूरी है। तो ये वो इतना सा केक है जो बचा है, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। और अच्छा, जो केक ज़रा नीचे से ज़्यादा ब्राउन हो जाए वो मुझे बहुत मज़े का लगता है। तो ये बड़ा मज़े का नीचे से ब्राउन हुआ, जो कि मुझे बड़ा मज़े का लगा। और मैं आपको दिखाऊँ कितना सॉफ्ट बना है, कितना यमी बना है। तो मैं तो इसको रिकमेंड करूँगी कि आप इसको ज़रूर ट्राई करें। तो जी, आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। उम्मीद है पसंद आया होगा। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि पहले की तरह जो है वो मैं आप लोगों के साथ इन टच रहूँ और नई नई चीज़ें आपसे शेयर करती रहूँ। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।